देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा में से। लास्ट टाइम हम जो है ना अक्षर साइज 12.1 में थे। देखो हमने कहाँ तक कर लिया भाई, तो मेन बात जो मैंने आपको बता दी, इसमें फिगर है, आप स्टेटमेंट पढ़ो, अगर आप फिगर बना पाए तो आसान वरना मुश्किल। और लास्ट में जो है ना हम क्वेश्चन नंबर शायद 16 तक हमने कर लिया भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17। हाँ स्टेटमेंट काफी बड़ी है भाई, तो मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिख पाऊंगा, तो आपके पास जो है ना मैथ होना जरूरी है पढ़ने के। 17 तो 17 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर आई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी कौन है भाई, 30 है मेरा। एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है भाई, बनाना एक बार। जैसे आपका ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर एक तो कौन है, एक तो आपकी बिल्डिंग है। जैसे मान ली बिल्डिंग होगी, इसकी हाइट आपकी कम होगी, और एक कौन है भाई, टावर है भाई, इसकी जो हाइट है वो क्या होगी आपकी, ज्यादा बनेगी। अब कहो के है, अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है ना, कि बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो 15 है, बिल्डिंग की हाइट कौन आपकी 15 है, और जो टावर है ना, अब इसमें वो ये कहो है बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का ये टॉप हो गया, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो क्या करोगे, बिल्डिंग के टॉप को टावर के टॉप से मिला दो, बिल्डिंग के टॉप को टावर के टॉप से मिलाओगे, और साथ में इस पॉइंट से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन भी ड्रॉ करोगे, और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बिल्डिंग के टॉप का टावर के टॉप के साथ ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ 17 है ना, 30 है भाई, ये 30 दिया हुआ है। उसके बाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, सेम टू सेम ये बिल्डिंग है भाई, और किसके बॉटम का, 17 है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, और इस बिल्डिंग के बॉटम पे, ये बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग का कौन, बॉटम, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये वाला बनेगा, ये कौन है मेरा, 60 दिया हुआ है। और आपने जो है ना एक तो टावर की हाइट बतानी है, तो वो मैंने एच मान ली, एक टावर और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो, और वो मैंने एक्स मान ली। तो कहो के दोबारा सुनो भाई, एक बिल्डिंग एक टावर है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 15 है, शुरुआत में कहो है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, बिल्डिंग का जो बॉटम है ना, बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और अब आपने टावर की हाइट और ये डिस्टेंस, तो मान लो भाई, तो वही फिर आपका दो क्या बनने वाली है, राइट एंगल ट्रेंगल डी, और इसको नाम दो ई। दो कौन कौन सी भाई, एक तो ए बी डी बनेगी, ये 90 है, और एक होगी ए सी और ई बनेगी। तो सॉल्यूशन, तो लेट, तो टावर की जो हाइट है वो क्या मान ले, ए ई इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ दी टावर भाई, और एक सी एक्स मान ली, एंड लेट सी इक्वल टू एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, लिख ली हुई चीज। उसके बाद तो दो इसमें क्या बनेंगी मेरी, राइट एंगल ट्रेंगल, देखो दो कौन कौन सी हैं, एक तो ए सी ई है, तो इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सी भाई, ए सी ई, देखो ए सी ई में क्या हुआ, एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स,
एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस तो टेंजेंट हो गया और एंगल में 60 लिखा हुआ है, क्या होता है टेन 60 अपना एच अपॉन एक्स इक्वल टू टेन 60 मेरा होता है रूट थ्री भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच इक्वल टू हो गया रूट थ्री एक्स, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर वन। एक आपकी बनेगी ए बी डी बनेगी इन राइट एंगल ट्रेंगल, कौन सी भाई ए बी डी, देखो ए बी डी में तो ये अपॉन ये करोगे, अगर ये आपकी एक्स है तो ये भी कौन होगी एक्स ही बनेगी, तो ये देखो कितनी है ये आपकी कितनी होगी, देखो पूरी है एच ये 15 तो ये भी कौन 15 ही, ये भी 15 ही होगी, तो ए डी कितनी बचेगी पूरी एच है ये 15 है तो ये बचेगी एच माइनस में 15, तो ए डी अपॉन बी डी करोगे, अब ए डी मेरी कौन होगी देखो ये 15 तो ये भी आपकी 15 ही होगी पूरी एच तो ये बचेगी एच माइनस में 15, पहले ए डी अपॉन बी डी कौन वो लिखो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भाई यानी टेंजेंट 30, अब देखो ए डी कौन है ए डी है मेरी एच माइनस 15 डिवाइड में बी डी कौन एक्स इक्वल टू टेन 30 भाई 1 बाई रूट 3, वही फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई एच रूट 3 माइनस 15 रूट 3 15 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा, अब एच की करोगे वैल्यू पुट तो एक्स आ जाएगा, कर दो इक्वेशन बनते हैं तो पुट दी, हर बार ऐसा ही होगा दो इक्वेशन बनेंगे दो ही आपके अननोन होंगे उनको करके ना सिंप्लीफाई उनकी वैल्यू आ जाएगी, ये एच की वैल्यू करो पुट यहाँ तो रूट 3 इंटू एक्स है ना लिखो यहाँ रूट 3 एक्स इंटू में कौन रूट 3 माइनस 15 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स भाई रूट थ्री की मल्टीप्लाई 3x माइनस 15 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, ले आओ x को इस साइड 2x इसको ले जाओ उस साइड तो 15 रूट 3 प्लस का हो जाएगा यानी x इक्वल टू होगा 15 रूट 3 डिवाइड में कौन 2 आंसर आ गया, पर इस आरडी शर्मा की बुक में रूट 3 के वैल्यू के रखे पुट आप चाहे करो चाहे ना करो करना हो तो कर दो आंसर मैच हो जाएगा, क्या लिखोगे यहां 1.732 फिर उस 1.732 के मल्टीप्लाई 15 का साथ और डिवाइड में फिर 2, पर आप करना ही मत क्योंकि हमने क्या पता पेपर में आंसर क्या दिया हो आप यहीं छोड़ दोगे, तो टावर और बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ गई मेरी, अब ये एक्स की वैल्यू यहां लिखो तो एच आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन वन करना तो एच कौन होगा भाई यानी एक्स की वैल्यू रूट थ्री से मल्टीप्लाई तो रूट थ्री इंटू 15 रूट थ्री डिवाइड में 2 करना एक बार मल्टीप्लाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 भाई और 3 इंटू में 15 45 बाय 2 क्या होता 45 बाय 2 22.5 और साथ में मीटर यानी जो टावर की हाइट वो कौन होगी मेरी 22.5 मीटर, तो फिगर बनाओ दो राइट एंगल ट्रेंगल पहचान करो वहां से आपके दो इक्वेशन बनेंगी उनको सोल्व करो उन दोनों अननोन की वैल्यू होगी, और देखो भाई अब तुम पढ़ो कौन सा 17 हो गया ना अब तुम पढ़ो 18 भाई 18 में लिखा हुआ ऑन ए ओरिजेंटल प्लेन
कई बार बता लिया भाई, ग्राउंड को ओरिजेंटल प्लेन को, ये एक ही बात है, ये ओरिजेंटल प्लेन है भाई, कोई ओने ओरिजेंटल प्लेन, देर इज ए वर्टिकल टावर, इस ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर कौन एक वर्टिकल टावर है भाई, तो टावर आप बना दो, मान लीजिए आपका ये ओरिजेंटल प्लेन, इसके ऊपर कौन एक वर्टिकल टावर है, विद ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर, और इस टावर का जो टॉप है ना उसके ऊपर कौन अभी एक फ्लैग पोल है, ये टावर तो आपका यहां तक है और इसके ऊपर कौन एक फ्लैग पोल है, मान लीजिए कौन आपका ऊपर वाला फ्लैग पोल है, तो कोई टावर है, टावर के ऊपर कौन एक फ्लैग पोल है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर वो एट ए पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का जो फुट है ना इससे 9 मीटर दूर, मान ली यहां तक 9 मीटर हो गया, तो टावर के फुट से 9 मीटर अवे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के ना फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम फ्लैग पोल 60 एंड 30, जो टावर का फुट है भाई, टावर के फुट से 9 मीटर दूर एक पॉइंट मान लियो है, इस पॉइंट से जो ये फ्लैग पोल है ना इसके टॉप और इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी मिला दो, तो ये होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको गिवन है भाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन है मेरे 30 और 60 है, ये कम वाला 30 हो जाएगा और ये ज्यादा वाला भाई 60 का बनेगा, और आपने बताने क्या है टावर की हाइट और फ्लैग पोल की हाइट बतानी है, टावर की हाइट भी बतानी है एच मान ली, और जो फ्लैग पोल है ना उसकी भी हाइट आपने बतानी है, तो दोबारा फिर सुनो, ये ओरिजेंटल प्लेन ग्राउंड एक ही बात है, इस ओरिजेंटल प्लेन के वर्टिकल एक टावर है, टावर के ऊपर कौन एक फ्लैग पोल है, उसके बाद टावर के इस फुट से 9 मीटर अवे मान ली यहां तक 9 मीटर हो गया, उस पॉइंट से जो ऊपर फ्लैग पोल है ना उसके बॉटम और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, और आपने टावर की हाइट और फ्लैग पोल की हाइट बतानी है, तो वो मैंने एच और एक्स मान ली, तो इसको ए इसको बी सी और डी मान लो, तो लिखोगे लेट लिख लेना अपने आप भाई, ए डी इक्वल टू एक्स बी द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल एंड लेट डी सी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर भाई, उसके बाइट बाद दो आपकी क्या बनने वाला राइटिंग ट्रायंगल, देखो दो कौन कौन सी हैं, एक तो डी बी सी बनेगी, एक ए बी और सी बनेगी, पहले इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सी भाई, डी बी सी ले लो पहले, डी बी सी देखो डी बी सी में ये अपॉन ये करोगे यानी एच अपॉन 9 इज इक्वल टू टेंजेंट बनेगा भाई 30, तो एच अपॉन 9 टेन 30 भाई 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एच इक्वल टू होगा 9/√3, इक्वेशन नंबर 1 दो, इक्वेशन 1 क्या वैल्यू आ गई, ये तो जो है ना हाइट ही आ गई किसके भाई टावर की, अब डिवाइड में रूट है ना तो क्या करोगे रेशनलाइज, जब एक टर्म हो उसी से ऊपर उसी से नीचे, तो एच इक्वल टू बल्कि इसको नाम मत देना 9/√3 है ना, तो √3 से ऊपर और √3 से करोगे नीचे, तो आपका बनेगा 9√3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 3 पर कैंसल यानी एच इक्वल टू होगा 3√3 भाई, ये किसकी हाइट आ गई, ये आ गई टावर की हाइट, अगर वैल्यू कर रखे ऊपर √3 की तुम भी कर दोगे, क्या वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732, उसको 3 से मल्टीप्लाई, पर हमने क्या पता वैल्यू कर रखी कि नहीं कर रखी पुट, तो तुम ये छोड़ दिए पेपर में, उसके बाद
अब फ्लैग पोल की हाइट भी बतानी है, उसके लिए ट्रायंगल ए बी सी बड़े वाली लेनी पड़ेगी, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी। तो ए बी सी में ये पूरी यानी एक्स प्लस एच है पूरी, दो एक्स प्लस एच डिवाइड में 9, तो फिर वही एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट 60 लिखा हुआ है, तो एक्स प्लस एच अपॉन 9। टेन 60 क्या होता है, √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस एच इक्वल टू 9√3। ये एच की वैल्यू यहाँ करो पुट, एक्स आ जाएगा, करना पुट तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ एच, करो पुट एक्स प्लस एच की वैल्यू है 3√3 इज इक्वल टू 9√3, ये उस जा माइनस हो जाएगा भाई, यानी एक्स इक्वल टू होगा 9√3 माइनस 3√3, यानी एक्स इक्वल टू होगा 6√3। ये आ गया मेरा, तो ये किसकी हाइट आ गई भाई, ये आपकी फ्लैग पोल की हाइट होगी, ये टावर की हाइट होगी। तो मेन फिगर ये बनाओ, दो आपकी क्या बनने वाली है, राइट एंगल ट्रेंगल, दो इक्वेशन होंगी, दोनों को सोल्व करो आंसर होगा। इसके बाद पढ़ो भाई, देखो जो 19 और 20 है ना, ऐसे ऐसे मैंने आपको बहुत करवा दिए, तो 19 और 20 तुम करोगे भाई, बिल्कुल ऐसे ऐसे काफी सारे करवा दिए। अब तुम पढ़ो 21 भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो 21 में क्या लिखा हुआ है, 21 में लिखा हुआ भाई, ए 1.6 मीटर टोल गर्ल स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट एंड कास्ट ए शेडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। भाई कोई गर्ल है जिसकी जो हाइट है ना वो 1.6 मीटर है, वो स्टैंड है, कहाँ पर स्टैंड है, वो एक लैंप पोस्ट है जिससे वो 3.2 मीटर दूर है। मतलब कुछ ऐसे कहो भाई, वो जैसे आपका लैंप पोस्ट हो गया, बना लो मान लिया आपका कौन है लैंप पोस्ट है, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका ग्राउंड होगा भाई, ठीक है। यहां पर कोई लड़की है, यहां पर कोई गर्ल है भाई, तो ये ऊपर वाला तो कौन है। चलो तुमने ऐसा करना, इसको फिर जो है ना कल करेंगे, तुमने आज अब यहीं तक ही करना है भाई।